देखना, सिर्फ सुन लेते हैं, ठीक है ना, नहीं करा है नहीं करा है, कोई दिक्कत, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बहुत छोटी सी चीज है। इम्परफेक्ट कंपटीशन तो एक टाइप ऑफ मार्केट है, उसमें सब वेरिएंट्स हो सकते हैं। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल आपके मोबाइल फोन हो सकते हैं, आपके शूज, एक्सेसरीज, क्लोथ्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी टाइप ऑफ मार्केट जिसमें देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है दे कैन बी डिफरेंशिएटेड ब्रांड नेम से, लोगो से, सबके अपने अपने ब्रांड्स हैं, तो उसकी वजह से सबके प्राइसेस अलग अलग हो सकते हैं। प्राइस कांस्टेंट नहीं होंगे कि आप इसका फोन लो या उसका, सबके अलग रेट है। इसके शूज लो, उसके शूज लो, इसके जीन्स, सबके अलग अलग अपने अपने रेट्स हैं। मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो उसकी वजह से होता क्या है, अगर सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर है तो एज अ बायर आपके पास ऑप्शंस कम है या ज्यादा है? आपके पास ऑप्शंस कम है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एज अ बायर आपके पास ऑप्शंस कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो अब आते हैं बचपन में, हमने पढ़ा था डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं एज अ बायर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ऐसा लग रहा 5 साल पहले किया था, ऐसी आ रही ना फीलिंग। हाँ कोई बात नहीं, होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी हाई होगी या लो होगी? गुड आंसर, इलास्टिसिटी हाई होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस है ना, तो रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी जब आपके पास ऑप्शन है। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो उसने अगर प्राइस बढ़ाए भी तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, डिमांड कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी। तो अब मोनोपोली में अब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए इलास्टिसिटी लो होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इसीलिए इलास्टिसिटी हाई होती है। तो इलास्टिसिटी अगर हाई होती है तो मैंने बचपन में एक और क्वेश्चन करा था, कौन से कर्व फ्लैटर होते हैं, जिनकी इलास्टिसिटी हाई होती है या जिनकी इलास्टिसिटी लो होती है? अगर इलास्टिसिटी हाई है, हायर द इलास्टिसिटी फ्लैटर द कर्व या स्टीपर द कर्व? श्योर, करेक्ट। स्टीप का मतलब होता है कि प्राइस इतना सारा चेंज होगा तो क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज होगी। फ्लैट का मतलब होता है, फ्लैट का मतलब होता है कि प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा तो क्वांटिटी ज्यादा चेंज होगी। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी हाई होगी या कम होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, ए आर कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व, बताया था आपको, ए आर कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व। तो सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने की वजह से इलास्टिसिटी हाई होगी या लो होगी? इलास्टिसिटी हाई होने की वजह से कर्व फ्लैट होगा या स्टीप होगा? यही है बस कॉन्सेप्ट, ओवर। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में फ्लैटर कर्व्स होते हैं, मोनोपोली में स्टीपर कर्व्स होते हैं। ये देख रहे हो ना, सीधा है, बाकी सब सेम रहेगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, सब कुछ सेम है। ये स्टीप है शेप, ये फ्लैट है, बस ये फर्क होता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देयरफॉर ए आर एंड एम आर दे स्लोप डाउनवर्ड्स दोनों में ये है। हाउ एवर देर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, दे आर मोर इलास्टिक मोनोपोलिस्टिक एज कंपेयर टू मोनोपोली। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड एबसेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अंडर मोनोपोली। सो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड इन बोथ द मार्केट्स, द प्रोपोर्शनेट फॉल इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट फॉल इन मोनोपोली। मोनोपोली में आपके पास ऑप्शन नहीं है तो अगर प्राइस चेंज हुआ भी तो क्वांटिटी ज्यादा चेंज नहीं होगी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होगी। अभी लगा दे अगर ज़ारा पे सेल तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होगी। यस और नो, ऐसा ही होता है, H&M चले जाओ, मतलब जहाँ जिस दिन सेल होती है तो वो मदर डेयरी बन जाती है। तो क्या हुआ, डिमांड चेंज, मतलब इलास्टिसिटी इज वेरी हाई, मतलब वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल है, और मोनोपोली में ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो प्राइस चेंज भी करेंगे तो
तो डिमांड उतनी ज्यादा चेंज होगी नहीं. पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्लैटर कर्व्स, मोनोपोली स्टीपर कर्व्स. सिंपल. क्या हमने ज्यादा कुछ नया सुना? बट एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, तो सिंपल, टेंशन नहीं लेने की.